अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिकल मेथड फॉर फिज़िक्स हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। पहला चैप्टर हमारा वेक्टर कैलकुलस है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक लाइन इंटीग्रल हो चुका है। दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है ग्रीन्स थ्योरम। एक्सरसाइज 10.4 है, वो कौन सी है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं? एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन 4 कम्प्लीट हो चुके हैं, आज क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन 5 को हम स्टार्ट करते हैं। एफ हमें गिवन है, सबसे पहले हम एफ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास एफ गिवन है। तो एफ वन क्या हो गया? एफ वन हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एफ टू हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। वाई की तो लिमिट गिवन है 1 और 2 माइनस एक्स के। तो दूसरी एक्स की लिमिट हमें चाहिए, तो एक्स की लिमिट कैसे होगी ये फाइंड कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब वाई 1 इधर होगी पिक्चर, 2 माइनस एक्स के, ये पैराबोला ही है। 2 जो होगा वाई, हमें पता है वाई इज इक्वल टू 2 है दूसरी, तो ये इधर हो जानी है 1 से लेके 2 तक, ये इसकी हाइट होगी। एक्स केयर का मतलब है पैराबोला है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखना। तो एक्स केयर है इसका मतलब एक्स या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, माइनस है, माइनस का मतलब ये ऐसे होगी। तो ये हमने पैरा ड्रा कर दिया पैराबोला, ये हमारे पास होगी, ये माइनस वन से लेके 1 तक है, ये माइनस वन से लेके 1 तक है। अगर आप ऐसे नहीं ड्रा कर सकते तो आप फिर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करना है? वाई कंपेयर करें, वाई इज इक्वल टू 1 है 2 माइनस एक्स के, तो हम लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स के। तो ये इधर जाना है तो क्या बन जाना है? एक्स स्क्वेयर बन जाना है, इसे इधर ले आए तो ये 2 है, इधर माइनस हो जाना, तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ जानी है, एक माइनस की एक 1 की, तो ये दो लिमिट्स आ गई माइनस 1 से लेके 1 तक। ये हमने इंटरसेक्शन निकाल लिए, दो पॉइंट्स निकाल लिए, एक्स माइनस 1 है और 1 है। हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो एफ वन की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एफ टू क्या है जी? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो एफ टू को हमने पार्शियली एक्स से डिफ्रेंशिएट करना एक्स के लिहाज से, तो इसे किया तो 2x आ गया, और एफ वन को जब करेंगे वाई के लिहाज से तो ये 2y आ जाना है। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं जी, लिमिट्स भी लिख लेते हैं, माइनस 1 से 1, और वाई की लिमिट थी 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, और साथ लिखी हुई है जी 1, ये 1 हो गई। आगे सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं जी, इसकी वैल्यू है 2x माइनस 2y dx dy। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेके हमने बाहर लिख लिया, कॉन्स्टेंट है, माइनस 1 1 आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x है वैसे y के लिहाज से हमने इसे इंटीग्रेट करना, तो x के साथ y भी आ जाना है। लिमिट लिख लेते हैं 1 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस वाई स्क्वेयर 2 हो जाना है, और हमने 1 माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर लिख लिया। तो इसके साथ दी dx भी आ चुका है। तो आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 को बाहर लिखा हुआ है, तो ये माइनस 1 से 1 होगी, x एज इट इज़, y की जगह हम लिमिट पुट कर लेते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाना है, ये 2x माइनस एक्स क्यूब हो जाना है। जब हम 1 पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स भी हो जाना है, तो ये आ जाता है। और इसका सेकंड पार्ट देखें तो वो हो जाता है वाई स्क्वेयर है, तो वाई स्क्वेयर की जगह जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो लिख लेते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर हो जाना है, नीचे 2 है, और आगे जो है माइनस 1/2 हो जाना है, तो ये आ गया, और आगे डी एक्स आ गया। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, हम आगे लिख लेते हैं, ये तो सिंपल ही हो गया ना, एक्स है वाई, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे तो 2x हो जाना है, माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब हो जाना है, तो ये चीज़ आ गई। जब दूसरी लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स आ जाना, तो मैंने ये लिख लिया।
तो आगे से सॉल्व करते हैं, टू एज इट इज़ आ गया, माइनस वन से वन होगी, ये गया तो एक्स माइनस एक्स क्यूब हो गया, आगे माइनस आ गया। आगे देखें जी, टू माइनस एक्स क्यूब से ओपन कर लें, इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, तो इसे देखिए जी क्या होता है इसका। हम सबसे पहले तो ये ओपन करते हैं फार्मूला, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है फोर प्लस एक्स की फोर माइनस फोर एक्स की स्क्वेयर, नीचे टू, ये हो जानी है, और साथ माइनस वन बाय टू भी आ जाना है डी एक्स। इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वन से वन टू, तो ये लिख लेते हैं जी एक्स से एक्स क्यूब माइनस एक्स की फोर से टू माइनस एक्स के टू, ये हो जानी है माइनस टू, तो ये प्लस टू, प्लस वन बाय टू, तो डी एक्स आ गया। तो आगे हमें इसकी इंटीग्रेशन कर देगा, क्योंकि मेरे पास तो जगह है नहीं, तो इसे कंप्लीट भी करना है, तो लिख लेते हैं। तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टू एज इट इज़ आ गया, एक्स की हो जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस वन से माइनस माइनस एक्स की फोर, नीचे भी फोर, माइनस वन से वन माइनस एक्स की पावर फोर है, तो ये एक्स की फाइव हो जानी है, नीचे टू है तो ये टेन हो जाना है, और इसकी माइनस वन से वन माइनस एक्स की टू है तो ये एक्स की थ्री हो जानी है, नीचे सिक्स आ जाना है, माइनस वन से वन माइनस ये टू है तो ये माइनस थ्री बाई टू बन जाना, तो माइनस थ्री बाई टू की इंटीग्रेशन होगी ये, तो ये चीज़ आ गई, इसकी भी माइनस वन से वन। तो जब ये आप पुट करेंगे वैल्यू, माइनस वन और वन सब में पुट करके, सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है लिमिट वाली, पहले वन पुट करनी है, माइनस वन पुट करनी है और सॉल्व करना है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो मैं लिख देता हूँ। हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आता है, हमारे पास आता है जी माइनस 56, माइनस 56 बाय 15, ये इसका आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 इसी के साथ कंप्लीट होता है, तो क्वेश्चन 6 को आगे हम सॉल्व करते हैं। एफ गिवन है, लिखते हैं जी कॉस एच वाई माइनस साइन एच एक्स। एफ वन क्या हो गया, कॉस एच वाई, एफ टू क्या हो गया, माइनस साइन एच एक्स। इसको वाई के लिहाज से करना है, तो इसकी वाई के लिहाज से क्या होगी, साइन एच वाई, और इसे एक्स के लिहाज से करना है, इसका क्या होगा, कॉस एच एक्स, और साथ ये आ गया। तो ये हमारे पास पार्शियल एफ वन और वाई, इसकी वैल्यू आ गई, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। लिमिट की बात की जाए तो लिमिट इस क्वेश्चन में गिवन है, एक्स की भी गिवन है, वाई की भी गिवन है, तो वो भी लिख लेते हैं। वन से थ्री हो गई, इसकी क्या है, थ्री एक्स, तो एक्स ये वाई की है, वाई की लिमिट हमेशा एक्स में होती है, या तो वो डिजिट में होगी, अगर डिजिट में नहीं है तो एक्स में, एक्स में होगी, और एक्स की लिमिट अगर डिजिट में नहीं है तो वो फिर वाई की फॉर्म में होगी। ये ऐसे लिमिट्स होती हैं डबल इंटीग्रल में। तो आगे हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस कॉस एच एक्स माइनस साइन एच वाई डी एक्स डी वाई। तो आगे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, वन थ्री एज इट इज, आगे माइनस कॉस एच एक्स है, तो डी वाई के लिहाज से करेंगे तो साथ वाई भी आ जाना है, तो ये हो जानी है माइनस वाई कॉस एच एक्स। लिमिट लिख लेते हैं जी थ्री एक्स से एक्स, माइनस साइन एच वाई का क्या होता है जी, कॉस एच वाई हो जाना है, कॉस एच वाई, और इसकी लिमिट थ्री एक्स से एक्स, साथ डी एक्स एज इट इज। तो आगे से सॉल्व करते हैं, लिमिट पुट करते हैं जी, वन थ्री हो गया, वाई की जगह थ्री एक्स पुट करनी है, तो माइनस थ्री एक्स कॉस एच एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाना, तो प्लस एक्स कॉस एच एक्स।
आगे इसमें पुट करनी है तो माइनस वाई है, तो ये हो जाना है कॉस एच थ्री एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाना तो फिर आ जाना है कॉस एच एक्स साथ में डी एक्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर। अब लिख लेते हैं जी क्या बनता है। सबसे पहले इसे सॉल्व करके सिंपल, ये एक्स है तो ये भी सेम है, तो ये हो जानी है वन से लेके थ्री माइनस टू एक्स कॉस एच एक्स माइनस कॉस एच थ्री एक्स प्लस कॉस एच एक्स साथ डी एक्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। आगे से पार्ट्स में सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तीन पार्ट्स हैं, एक दो तीन, तो फिर इनकी हम अलग अलग इंटीग्रेशन करके पुट कर लेते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले माइनस टू एक्स है, कॉज है, एच एक्स है, तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो गई, तो इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देखते हैं कैसे होती है। इसको ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं। इसका क्या होगा, साइन एच एक्स माइनस इंटेग्रल, इसका डिफरेंशिएट लेंगे तो माइनस टू आ जाना है, माइनस माइनस टू प्लस लिख लेते हैं, टू हो गया कॉस का साइन हाइपरबोलिक एक्स आगे डी एक्स। तो ये हो बन जानी है माइनस टू एक्स साइन एच एक्स प्लस टू आ जाना साइन की कॉस एच एक्स बन जानी है। ये हमारे पास इसकी आगे इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स जो है ना लास्ट पे पुट कर लेंगे, तो ये होगी। अब हम इसकी करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं जी। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस एच थ्री एक्स की कर लेते हैं, कॉस एच थ्री एक्स की इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो थ्री एक्स को हम यू के इक्वल लेट कर लेते हैं जी, लेट कर लेते हैं, लेट यू जो है थ्री एक्स है, तो डी यू हमारे पास क्या हो जाना है, वो हो जाना थ्री डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या निकलनी है, वन बाय थ्री डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाना है, कॉस बन जाना है, ये एच हो जाना है, ये यू बन जाना है, ये साथ डी यू बन जाना है, ये वन बाय थ्री बाहर लिख लेते हैं। तो इसकी आगे देखें हम फर्दर, आगे क्या होना, वन बाय थ्री एज इट इज कॉस एच, यू की क्या होती है साइन एच, यू यू की वैल्यू लिख लेते हैं, यू थ्री एक्स है तो ये थ्री एक्स आ गया। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट कर ली। तो आगे लास्ट है कॉस एच एक्स की, कॉस एच एक्स की हमें पता है इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक एक्स होती है। तो ये हम तीनों पुट कर लेते हैं, तो फिर हम लिमिट्स भी लिख लेते हैं साथ। इसकी हमें हमारे पास क्या आई है इंटीग्रेशन, वो लिखते हैं जी, ये आई है लिखते हैं माइनस टू एक्स साइन एच एक्स प्लस टू कॉस एच एक्स, फिर इसकी आई है कॉस एच थ्री एक्स की क्या आई है जी साइन एच थ्री एक्स, और साथ माइनस भी आ गया माइनस साइन एच थ्री एक्स थ्री, आगे ये आई है प्लस साइन एच एक्स, और लिमिट्स लिख लेते हैं इन सभी की वन से लेके थ्री तक। तो वन से लेके थ्री तक हम अब इसकी लिमिट्स पुट करते हैं, लिख लेते हैं जी। पहले थ्री पुट करनी है, माइनस टू थ्री साइन एच थ्री आ गया प्लस टू कॉस एच थ्री आ गया माइनस साइन एच, ये नाइन हो जाना, ये नीचे थ्री आ गया प्लस साइन एच, ये थ्री हो गया, ये आ गई, आगे माइनस आ गया। फिर वन पुट कर लेना, तो वन पुट करेंगे तो क्या बन जानी है, माइनस टू साइन एच इससे लिख दिया प्लस टू कॉस एच माइनस साइन एच थ्री थ्री प्लस साइन एच। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो इसका आंसर जो आना है वो बनना है माइनस वन थ्री सेवन नाइन पॉइंट ये जीरो थ्री, ये इसका आंसर बन जाना है।
तो क्वेश्चन 5 एंड 6 इसी के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।